नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं TV24 चकवाल। नाजरीन, इस वक्त मैं 15 चौक में मौजूद हूं और यहां पे पुलिस अहलकार लोगों को हेलमेट पहनने की तरगीब दे रहे हैं, उनको उसके अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। और नाजरीन, ये जो हेलमेट है ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, इसको ज़रूर पहने। 200 रुपया जुर्माना भी किया जा रहा है, लेकिन ये एहसास दिलाने के लिए है कि आप लोगों ने हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंजरी बचाएगा सिर को जी। लिहाजा बर मेहरबानी आप अपना हेलमेट इस्तेमाल करें, अमल करेंगे। और ये IG साहब पंजाब के सख्त अहकाम हैं कि हेलमेट नो कम्प्रोमाइज, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ ठीक है सर। और आपका नंबर भी नहीं लगा हुआ, नहीं ना लगा हुआ, आप अपना शनाख्ती कार्ड मुझे चेक करवा दें प्लीज़। हाँ, अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवा दें। फिर आपको फाइन दिया जा रहा है और आपका मोटरसाइकिल बंद किया जा रहा है। अगर आप अपने पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रखें और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, हेलमेट के जब साइकिल घर से स्टार्ट करके निकालते हैं आप अपना हेलमेट इस्तेमाल करें, हेलमेट के बगैर बिल्कुल रोड पे ना आए। और आए रोज़ रोज़ाना हादसा हो रहे हैं, इनसे आप अपने आप को बचाएँ। आपकी इंतहाई मेहरबानी और शुक्रिया है आपका, लिहाजा आपको फाइन दिया जा रहा है। क्या नाम है आप? नजरीन, अब हम रोड के दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ भी मोटरसाइकिलिस्ट को रोका जा रहा है और यहाँ भी हर तरफ ये मुहिम शुरू की गई है, इनकी अवेयरनेस की अवेयरनेस के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर एक हमारे अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? असनैन है। असनैन साहब, ये माइक पकड़ लें, मेरा इंटरव्यू जी आपका भी ले लेता हूँ। आपके पास हेलमेट नहीं है भाई, अब सुस्ती हो गई है इसमें। इस टोपी को ही हेलमेट समझ लें? नहीं नहीं, टोपी को नहीं, इंशाल्लाह आइंदा एहतियात करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा एहतियात करेंगे, इंशाल्लाह जरूर। बस बिल्कुल सही, इसमें सेफ्टी होती है इसमें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो थोड़ी सी सुस्ती है, मेरे भाई कह रहे हैं कि सुस्ती हो गई है, ये जो इनकी थोड़ी सी सुस्ती है इनकी जान भी जा सकती है। देखें, जब बंदा बाइक से गिरता है उसने हेलमेट नहीं पहना होता तो उस हेड इंजरी होती है, रोड पे सर लगता है, हेड इंजरी होता है, जिसकी वजह से बंदा डेथ पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं इनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आगे चलते हैं। आपके 1% लोगों के पास नहीं है। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है? ठीक है, और सब कह रहे थे जी करिए ठीक। आपने माशाल्लाह एक अच्छी मुहिम शुरू की है जो हेलमेट के हवाले से है। अब क्या आप लोग अब सामन कर रहे हैं या सिर्फ माजरत करके निकल जाते हैं? जी, ये जो सेफ्टी हेलमेट की जो हम कंपेन कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें ये जो मोटरसाइकिल सवार होता है इसकी इसमें सेफ्टी, इसमें जान का तहफ़ है। जो पुलिस है, ज़िला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आपकी इज्जत जान माल की महाफ़ है। तो इस सिलसिले में जो आजीब साहब पंजाब ने, DG ट्रैफिक साहब पंजाब ने जो एक कंपेन लॉन्च करवाई है, इसमें मोटरसाइकिल सवार को हम रोकते हैं तो ये लेम एक्सक्यूज़ तो करते हैं कि मैं इधर से आया हूँ, मैंने वहाँ तक जाना है, लेकिन हमारे ज़ीरो टॉलरेंस है, हम इस पर किसी को स्पेयर नहीं कर रहे और नहीं करना चाहिए। मोटरसाइकिल एक नंगी सवारी है, इससे गिरने वाला जो इंसान है तक उसकी सर पर चोट लगती है, या तो वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है या उसकी जो है जान चली जाती है, खुदा न खास्ता। इस हवाले से तावन तो कोई भी नहीं करता, जुर्माना तो कोई भी नहीं करवाना चाहता। जुर्माने का मकसद ये होता है कि बंदा जाके हेलमेट खरीद ले अपना, 1000 रुपये का हेलमेट मिलता है। आप इस बंदे के मोटरसाइकिल 1,00,000 रुपये का है, अगर 1000 रुपये का हेलमेट ले लें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे सुनने वाले नाजरीन से आपकी तवज्जो से ये गुजारिश है कि आप जो बंदा भी 18 साल से ऊपर का, एक तो 18 साल से कम किसी को मोटरसाइकिल ना दें, 18 साल से जो ऊपर का बंदा है उसको आपने हेलमेट दे के भेजना है। हेलमेट खरीद कर आएँ आप, हेलमेट लेकर रोड पर आएँ और उसको प्रॉपर नीचे स्टेप बंदी हो और इसके बाद आप रोड पे आएँ, बसूरत दीकर जो है हम आपका फाइन करेंगे। फाइन करेंगे। और क्या इस फाइन से आप क्या समझते हैं कि लोग फाइन पास कर तो कहते हैं ठीक है फाइन दें और आप फाइन लें और हमें निकलने दें, या फाइन लें अभी और हम जा रहे हैं, आप मुझे मत रहा तो इस सूरत में क्या कहेंगे लोगों को, जो अवेयरनेस है वो कैसे आए? इसमें यह है कि हम बंदे को देख लेते हैं तो उसके उसको जब उस कहते हैं कि हमसे वादा करके जाएं, बसीयत मुसलमान है, बसीयत इंसान, हमसे वादा करके जाएं कि जो आप जाके हेलमेट खरीदेंगे
इसमें आपका फ़ायदा है। और इसमें मोस्टली 80% जो लोग हैं वो कोऑपरेट करते हैं, वापसी भी हमें दिखा के भी जाते हैं कि सर ने आपने हमारे फ़ायदे की बात की है, हमें ये जहन में आया है कि आपने हमारे लिए फ़ायदे की बात की है और हमने हेलमेट ये ख़रीद लिया है, लोग हमें खरीद के दिखाते भी हैं जी। थैंक यू। मैंने एक देखा, एक बंदे की वीडियो वायरल हुई थी, उसने अपने सर के ऊपर उसको छाछ कहते हैं हम लोग जो सर पे जिसमें हम रोटी रखते हैं, असल में ये लोग अगर मोस्टली ये बहाना भी करते हैं कि हम गरीब आदमी हैं, हम हेलमेट खरीद नहीं सकते, तो इसका बड़ा अच्छा जवाब ये है कि जब आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, आप जो मोटरसाइकिल कम से कम कीमत वाला आप सेकंड हैंड मिलेंगे वो आपको 35-40 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। अगर आप हेलमेट 1000 में खरीद लें, इस उम्र में हमने मोटरसाइकिल जो शोरूम वालकान है उनको पाबंद किया है कि आप किसी बंदे को मोटरसाइकिल तब तक आप नहीं देंगे जब तक उसके पास आप उसको सेफ्टी हेलमेट साथ नहीं देंगे। इस तरह जब पेट्रोल पंप जो पेट्रोल डलवाने जाएगा मोटरसाइकिल सवार, उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपना सेफ्टी हेलमेट लेके नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। भाई आप अपनी सेफ्टी के लिए और अपने जो अजीरो अजीज़ो अकारब हैं उनकी बेहतरी के लिए, आप हैं, आपके वालदैन हैं, आपके बच्चे हैं, उनके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी हिफाजत करें ताकि उनको बाद में मुश्किलात का सामना ना करें। सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात, बड़े भोली सी सही कह रहे हैं, सही दिल से डाल देंगे कुछ पहना हुआ है और अपने आप ये साबित कर रहे हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए। ये हेलमेट बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहना हुआ है कि लोग ये ना इतराज़ करें कि खुद बाइक चला रहे हैं बगैर हेलमेट से और हमें बता रहे हैं कि हेलमेट पहने। हेलमेट अपने लिए बहुत अच्छा है, ये अपनी जान की हिफाजत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है हमेशा सर रोड पे लगता है, सर जख्मी हो जाए तो बंदे की जान चली जाती है, ऐसी चोटें भी लगती है कई दफ़ा। बिल्कुल, जिस वक्त भी बाइक का मैंने तो देखा है, मेरा खुद भी हुआ है, जब भी एक्सीडेंट होता है सबसे पहले बंदे का सर रोड पे लगता है, सर अगर बच जाए तो बाकी अलग करता है, कुछ ना कुछ बचत हो ही जाती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है ये लोगों से कि हेलमेट ज़रूर पहने, अभी तो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से आर्डर भी हुआ है, हम इस पर पाबंदी भी करवा रहे हैं, लोगों को चलान भी करते हैं, लिहाजा हेलमेट ज़रूर। इंडिकेटर जो है ये बात दुरुस्त आपकी, लेकिन हम हर रोज़ इनके इसी बात पे चलान भी करते हैं, आपकी बाइक लाइट नहीं है, आपके इशारे नहीं है, फ्रंट लाइट कहीं। नदीन आप 15 चौक से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।